चीन के बीच में सोमवार रात को झड़प हुई, जिस पर चीन के मुताबिक भारतीय सैनिकों ने उन्हें उकसाया। उसके बाद चीनी सैनिकों ने उन पर हमला किया, लेकिन जांच के बाद जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो काफी अलग हैं और साथ ही भारतीय जवानों की वीरता के सबूत भी दे रहे हैं। माना जा रहा है कि चीन ने भारत पर ऐसे वक्त में हमला किया जब भारतीय सैनिक और चीनी सैनिकों के बीच का अनुपात 1:5 था, यानी कि भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों के मुकाबले 4 गुना कम थे और चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों को इस तरह के हमले के लिए आगाह नहीं किया था, बल्कि धोखे से भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिया था। खबर तो यहां तक है कि चीन ने भारतीय सैनिकों का पता लगाने के लिए थर्मल इमेजिंग ड्रोन का भी इस्तेमाल किया था। उसके बाद भी भारतीय सैनिकों की वीरता देखिए, चीन ने भारतीय सैनिकों के खिलाफ अपनी संख्या को बढ़ाया। उसके बाद भी भारतीय सेना ने अपने से दोगुना चीनी सैनिकों को मार गिराया। भारतीय सेना का कहना है कि भारतीय सैनिक उस स्थान पर गए थे जहां तनाव हुआ था, वहां बिना किसी दुश्मनी के चीनी पक्ष के साथ मैत्रीपूर्ण तरीके से सिर्फ ये जांचने गए थे कि वो वादे के मुताबिक डीएस्केलेशन समझौते का पालन कर रहे हैं या नहीं, लेकिन भारतीय सैनिक वहीं फंस गए। चीनी सैनिकों ने बर्बर तरीके से हमला बोल दिया। भारतीय सेना पर हमला करने के लिए कटीले हथियारों, तारों और पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद भी भारत के 20 जवान शहीद हुए, जबकि चीन के 43 जवानों के मारे जाने की खबर है। ये भारत के वीर जवानों की ताकत ही है जिसके बल पर ऐसी परिस्थिति में भी हमारे सैनिक मारते मारते मरे हैं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक शहीद सैनिकों की संख्या में इजाफा हो सकता है क्योंकि भारतीय सेना के कई जवान गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि चीन ने जो धोखा भारत को दिया है वो यही थम जाए। अब भगवान घायल सैनिकों की जान को बचा ले ताकि ये सैनिक आगे चलकर और दमखम के साथ चीन के सैनिकों के साथ खुद पर हुए हमले का और ताकत के साथ बदला ले सके।